दोस्तों, भारत के वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करके ऐसी ऐसी तकनीक और ऐसे ऐसे हथियार डेवलप कर रहे हैं जो कि दुनिया में अन्य किसी और देश के पास ना हो। और खास करके भारत जब दो तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, तो ऐसे समय में भारत को रक्षा क्षेत्र के अंदर आत्मनिर्भरता काफी ज्यादा आवश्यक है। और इसी क्षेत्र में भारत के DRDO ने भारत को एक बड़ी कन्फर्मेशन दे दी है, क्योंकि भारत का DRDO अब एक ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाने जा रहा है जो कि बन भी चुकी है, जिसके आ जाने के बाद भारत की रशियन S-400 के ऊपर से जो निर्भरता है वो भी लगभग समाप्त हो जाएगी, क्योंकि यह हथियार S-400 का भी बाप है। दरअसल भारत के आसपास बढ़ती हुई मिसाइल ताकतों को देखते हुए भारत के DRDO ने लॉन्ग रेंज रडार को विकसित करने का फैसला लिया है। और इस रडार के बारे में अभी 1 से 2 हफ्ते पहले ही खबर निकल के सामने आई थी कि DRDO इस प्रकार की रडार को विकसित कर रहा है, परंतु अब DRDO ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि हाँ, इस प्रकार की रडार को हम विकसित कर रहे हैं जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर के आसपास होगी। और इस रडार के अधिकतम जो कंपोनेंट हैं वो DRDO की तरफ से बनाकर तैयार कर लिए गए हैं। केवल एक मेजर कंपोनेंट है जिसकी असेंबली चल रही है, जिसका नाम एक्टिव एरे एंटीना यूनिट है, यानी AAAU। और इस यूनिट के बन जाने के बाद फाइनली भारत की जो रडार है वो बनकर तैयार हो जाएगी और इसकी रेंज 2000 किलोमीटर की होगी। और इस रडार के माध्यम से भारत बड़ी ही आसानी से 2000 किलोमीटर की दूरी से भारत के अंदर आने वाले किसी भी खतरे का पता लगा सकता है और अपने इंटरसेप्टर मिसाइलों से उस खतरे को न्यूट्रलाइज भी कर सकता है। और DRDO का यह भी कहना है कि भारत की यह शक्तिशाली रडार नेक्स्ट जनरेशन की रडार है, जिसको ना तो भटकाया जा सकता है और ना ही इसको हैक किया जा सकता है। यानी भारत की इस रडार से दुश्मन का बच पाना लगभग असंभव।